सुप्रभात बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज वीडियोस देखिए, अपने कार्य पूरे करिए और उसके बाद जो भी पढ़ाया जाता है उसे याद करिए और लिख करके पढ़कर उसका अभ्यास करिए। तो बच्चों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सभी का हिंदी कक्षा एक में फिर से स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अक्षर जाल, जो कल हमने पढ़ा था उसे एक बार दोहराएंगे और उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था शब्द, नए शब्द बनाना सीखा था, उसके बाद हमने शब्द सीढ़ी बनाई थी और उसके बाद अक्षर जाल में से पाठ में आने वाले पशु पक्षियों के नाम को ढूंढ करके हमने अलग अलग लिखा था। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम अक्षर जाल को बनाते हैं और उसको पढ़ करके दोहराते हैं, उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में हमारा अगला अभ्यास जो कल हमने किया था, पाठ है पहले, पाठ है 15 होली। ह पे ओ की मात्रा, हो ल पे बड़ी की मात्रा, ली होली। तो बच्चों, पाठ हम पढ़ चुके थे, हम कर रहे थे इस पाठ का अभ्यास। तो हमारा अभ्यास है अक्षर जाल, अक्षर, अक्षर ज पे आ की मात्रा जा, ल अक्षर जाल, में म पे ए की मात्रा में, से स पे की मात्रा से, ची री ची रियों, र पे बिंदी, यो पे बिंदी, चिड़ियों चिड़ियों, और प शु ओ पशुओं, और पक्षियों पशुओं, पशुओं के नाम प पे ए के मात्रा नाम, चिड़ियों और पशुओं के नाम ढूंढ कर ढ पे बड़े की मात्रा ढूंढ कर, ढूंढ कर लिखो, ल पे छोटी की मात्रा और ख पर ओ की मात्रा लिखो। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हमने पाठ में बहुत सारे पशु और पक्षियों के बारे में पढ़ा, तो उनके नाम इस अक्षर जाल में दिए गए हैं, इनमें से हमें ढूंढना है और उनके नाम अलग अलग जो यहाँ पे नाम दिए गए उसके नीचे लिखना है, चिड़ियों और पशुओं के नाम के नीचे हमें लिखना है। तो बच्चों, चलिए हम पहले अक्षर जाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक अक्षर जाल है जिसमें बहुत सारे वर्ण या फिर बहुत सारे व्यंजन दिए गए हैं और यह व्यंजन मिल करके पशुओं और पक्षियों के नाम बनाते हैं। तो हम उन नाम को पढ़ करके समझ करके नीचे आगे दिए गए कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे वर्ण हैं। पहला है म और फिर है ख, म ख, म पे ओ की मात्रा मो और फिर है र, उसके बाद है ल पे ओ की मात्रा लो। तो सबसे पहले हमारे पास है म, फिर है ख, फिर है म पे ओ की मात्रा मो और फिर उसके बाद है र और लो। उसके बाद हमारे पास है ह से फिर ही है, फिर उसके बाद र है, उसके बाद न है, र है, न है, च है और म है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास त, त पे ओ की मात्रा तो, फिर है ग, ग पे ओ की मात्रा गो, फिर है ह, ह पे आ की मात्रा हा, फिर क पे ओ की मात्रा को, फिर है ड पे बड़ी की मात्रा अड़ी। उसके बाद हमारे पास है त पे आ की मात्रा ता, श पे आ की मात्रा श, थ पे बड़ी की मात्रा थी, र फिर है स। उसके बाद है क, क पे ओ की मात्रा को, फिर य, फिर ल, फिर भ पे आ की मात्रा भा और ल पे आ की मात्रा लू। तो ये वर्ण हैं जिनको मिला करके हमें चिड़ियों और पशुओं के नाम ढूंढने, वो चिड़ियों और पशुओं के नाम जो हमने पाठ में पढ़े। तो चलिए, ये चिड़ियों और पशुओं के नाम इनमें से हमें ढूंढना है और यहाँ पे हमने लिखा है
चिड़ियों के नाम च पे छोटी की मात्रा री यो, चिड़ियों के नाम य पे ओ की मात्रा और बिंदी, चिड़ियों के नाम क पे की मात्रा के न पर आती मात्रा नाम म, चिड़ियों के नाम। उसके बाद इसी के नीचे हम लिखेंगे पशुओं के नाम, प श पे छोटे की मात्रा ओ और बिंदी पशुओं, क पे ए की मात्रा के न पर आती मात्रा ना म, पशुओं के नाम। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो वर्ण दिए गए हैं पहले एक एक करके हम उनको देखते हैं। ये है म, फिर है ख, फिर है मो, ये है म, फिर है ख मो र लो ही र, फिर है न च म तो गो हा को डी ता श थी र स को य ल भा लु। इस तरह से बच्चों हमें यहाँ पे बहुत सारे वर्ण दिए गए हैं इस अक्षर जाल में। यह है अक्षर जाल, ये जाल अक्षरों का जाल है जिसमें हमें बहुत सारे वर्ण दिए गए हैं। इन वर्णों को मिला करके हमें क्या करना है, हमें शब्द बनाने हैं। कैसे शब्द बनाने हैं, चिड़ियों और पक्षियों के नाम वाले शब्द बनाने हैं और वह नाम जिनको हमने पाठ में पढ़ा था। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हो कि म ख मो र, यहाँ पे म ओ की मात्रा मो र, पहला जो शब्द बना वो है मोर। तो मोर किसका नाम है बच्चों, मोर एक चिड़िया का नाम है। तो मोर को हम क्या कहाँ लिखेंगे, मोर को हम चिड़िया के नीचे लिखेंगे। ये हो गया एक, म पे ओ की मात्रा मो और र मोर, तो मोर चिड़िया का नाम है इसलिए हम चिड़ियों के नाम के नीचे मोर लिखेंगे। उसके बाद है हम अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे ल, ल पे ओ की मात्रा लो, म ड पे बड़ी की मात्रा डी लोमड़ी। अब लोमड़ी बच्चों लोमड़ी कहाँ है, यही है लोमड़ी, लोमड़ी भी हमने पढ़ा था पाठ में होली में, लोमड़ी ल पे ओ की मात्रा मड़ी, लोमड़ी एक पशु है तो हम इसे पशुओं के नाम के नीचे लिखेंगे। लो म ड पर बड़ी की मात्रा डी लोमड़ी, तो यह पशुओं के नाम के नीचे लिखेंगे लोमड़ी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे है दूसरी पंक्ति में ई र न हिरन, हिरन भी हमने पढ़ा था पाठ में, तो यह दूसरा शब्द है जो कि पशु का नाम है तो हम इसे भी पशुओं के नाम के नीचे लिखेंगे। तो यह दूसरा शब्द, ये था पहला शब्द, अब हम लिखेंगे दूसरा शब्द। दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द आप देख सकते हैं, दूसरा शब्द है ह पे छोटी की मात्रा ही र न, यह भी एक पशु का नाम है इसलिए इसे भी हमने पशुओं के नाम के नीचे लिखा है। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास तीसरा चौथा शब्द है तोता, तोता, तोता किसका नाम है, तोता एक पक्षी का नाम है तो हमने यहाँ पे तोता लिखा, तोता एक पक्षी का नाम है और तो इसे हम लिखेंगे पक्षी के नाम के नीचे। तोता को हम लिखेंगे चिड़ियों के नाम के नीचे, तो पे आ की मात्रा ता, तोता, तोता को हम लिखेंगे चिड़ियों के नाम के नीचे क्योंकि चिड़िया भी एक पक्षी है, पक्षी यानी चिड़िया। उसके बाद है हमारे पास कोयल, सबसे नीचे वाली पंक्ति में हमारे पास कोयल है, कोयल भी एक चिड़िया है, एक पक्षी है तो हम उसे भी चिड़िया के नीचे लिखेंगे। पे को की मात्रा को य ल कोयल, कोयल भी एक चिड़िया का नाम है तो हमने उसे चिड़िया के नीचे लिखा। उसके बाद चकोर, चकोर भी एक चिड़िया का नाम है इसलिए हम इसको भी यहाँ लिखेंगे। च ये है चार, चार में हमारे पास है च क पे ओ की मात्रा को र चकोर, यह भी एक चिड़िया का नाम है तो हमने इसे चिड़िया के नीचे लिखा है। उसके बाद हमारे पास है हाथी, हाथी, हाथी एक पशु है इसलिए हमने हाथी पशु के नीचे लिखा है। तीन में हम लिखेंगे ह पे आ की मात्रा हा, थ पे बड़ी की मात्रा थी हाथी, तो ये है हाथी। उसके बाद बचा बच्चों खरगोश, खरगोश भी हमने पढ़ा था पाठ में तो खरगोश भी एक पशु है तो यहाँ पे हम लिखेंगे
चार में हम लिखेंगे ख र ग पे उ की मात्रा गो श खरगोश, ये है खरगोश। उसके बाद है आखिर में बचा भालू, भ आ की मात्रा ल पे बड़े की मात्रा लू भालू। भालू क्या है, भालू भी एक पशु है इसलिए इसे भी हम भालू के नीचे पशु के नीचे लिखेंगे भा ल पे बड़े की मात्रा लू भालू। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ग्रिड में इस जाल में जितने भी वर्ण थे उनको मिला करके हमने पशुओं और पक्षियों के नाम को बनाया और उसको यहाँ पे लिखा। तो इस तरह से बच्चों जब आप देख सकते हैं सबसे पहला शब्द पंक्ति में मोर था, फिर है लोमड़ी, फिर है हिरन, खरगोश, हाथी, चकोर, तोता, कोयल, भालू। तो ये सभी चिड़ियों और पशुओं के नाम हैं जिनको हमने अलग अलग करके लिखा और जाना। तो चलिए एक बार फिर हम इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है चिड़ियों के नाम, तो मोर, तोता, कोयल, चकोर, ये सभी चिड़ियों के नाम हैं जिनको हमने इस शब्द अक्षर जाल में से ढूंढा और यहाँ पे लिखा है। उसी तरह हमारे पास है पशुओं के नाम, लोमड़ी, हिरण, हाथी, खरगोश, भालू, ये सब पशुओं के नाम हैं, इनको भी हमने शब्द जाल में से ढूंढा और यहाँ पे लिखा। तो इस तरह से बच्चों हमने जो कल किया था उसे करके यहाँ दोहरा लिया। चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम करेंगे, हमारे पास एक कविता यहाँ दी गई है। जैसा कि आप जानते हो इस पाठ में हमने ओ की मात्रा पढ़ी थी, तो यहाँ कविता दी गई है जिसमें कुछ ओ की मात्रा के शब्द हैं, ए की मात्रा के शब्द हैं। तो अभी तक जितने भी मात्रा हमने पढ़ी है उनको मिला करके यह कविता बनाई गई है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा कल का अभ्यास, अब हम आज का अभ्यास शुरू करेंगे। पाठ है 15 होली। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास एक कविता है, चलिए हम उसे लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है बच्चों कविता गाओ, इस कविता को हमें गाना है। तो आप भी इस कविता को अपनी क्लास की कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद जो चित्र बना है उसे भी बनाएंगे। ग पे आ की मात्रा गा, ओ पे ओ की मात्रा गाओ, ये है कविता गाओ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी छत पर आया मोर, तो कविता है बच्चों मेरी छत पर आया मोर। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हम बहुत बाहरी इलाकों में रहते हैं जिसे हम तो बच्चों आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं खेत में या फिर ऐसे जगह पे आपका घर है जहाँ पे बहुत सारा खुला जगह हो या दूर आसपास कहीं खेत वगैरह हो तो आपको अक्सर आपके छत पे मोर आती हुई दिखाई देगी। तो बच्चों आपने अक्सर अपने छत पर मोर देखा होगा, जैसा कि गांव वगैरह जो होता है वहाँ पे, मेरा घर गांव में भी है, जब मैं अपने घर जाती हूँ तो अक्सर मेरे छत पर मोर आकर के बैठती है और नाचती भी है, नाच भी दिखाती है। और मोर और मोरनी दोनों आते हैं, कभी मोर आता है और कभी मोरनी आती है। तो बच्चों अधिकतर तो मोर ही आता है जिसके बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं और अपने पंख को फैला करके नाचता है। लेकिन जब वो किसी को देखता है ना, हम में से किसी को देखता है तो वो भाग जाता है। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे जो बच्चा है इस कहानी में या इस कविता में जो बच्चा है उसके छत पर भी मोर आती थी। तो बच्चों जो मोर होते हैं आप सभी को मालूम है कि मोर खेत वगैरह में के आसपास अक्सर दिखाई देते हैं, क्योंकि जो मोर होते हैं वो खेत में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं, मोर सांप भी खाता है। तो खेत के आसपास उन्हें खाने की चीज़ें मिल जाते हैं, अनाज वगैरह भी वो खाते हैं, जो गिरा हुआ खेत में अनाज होता है उसे भी खाते हैं। तो बच्चों इसीलिए खेत में जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये मोर खाते हैं। इसलिए खेतों के आसपास अगर आप कहीं रहते हैं तो वहाँ पे आपको मोर दिख जाएंगे। अक्सर जब भी आपके छत पे सन्नाटा रहता है या कोई नहीं होगा तो मोर आते हैं। तो मैंने तो अक्सर अपने छत पर मोर को देखा है और वो अपना पूरा पंख फैला करके नाचते हुए भी मैंने उसे देखा है। लेकिन जब वो किसी को भी देखता है, क्योंकि सभी जानवर अपने आप को सब इंसानों से डरते हैं, जब वो इंसानों को देख लेते हैं तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो बच्चा है इसकी छत पे मोर आता है। तो कविता में मेरी छत पर आया मोर, बच्चा बताता है कि मेरी छत पे मोर आता है और आज भी आया है और खूब मचाया उसने शोर। मचाने का मतलब हुआ कि वो खूब उसने घुड़दंग मचाया, मतलब कहने का मतलब है कि वो खूब उसने अपने पंख फैलाए और नाचा, उसने झूम मतलब धूम
मचाई। आप देख सकते हैं कि जो कविता आपकी किताब में दी गई है उसमें भी मोर ने पूरे अपने पंखों को फैलाया हुआ है, और देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे बच्चे का शोर मचाने कहने का मतलब है कि उसने खूब नाचा और खूब धूम मचाया। उसके बाद बादल गरज उठे घम घम। अब यहाँ कहने का मतलब है जो मोर होता है, बारिश होने वाली होती है या बारिश होती है तो बहुत खुश होता है, बारिश देखकर उसे बहुत खुशी होती है और उसके बाद वो खूब नाचता है। तो यहाँ पे भी मोर जो है उस जब वो उसके छत पर आया तो बादल भी खूब गरजा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं घम घम बादल के गरजने की भी आवाज़ वो बता रहा है, और उसके बाद नाचा मोर छमा छम छम। तो जो बादल के गरजने की आवाज़ सुन करके मोर खुश हो गया, उसे समझ में आ गया कि अब बारिश होगी, और बारिश के वजह से तो मोर बहुत खुश होता है। जब भी बारिश होती है मोर खुश होकर के खूब नाचता है, अपने पंख को फैला करके वह खूब नाचता है। तो यहाँ पे जब उसने बादल को गरजते हुए देखा तो उसे लगा कि बारिश होगी, और वह खुशी के मारे खूब नाचा, मतलब खूब जोर शोर से नाचा। तो यहाँ पे जो बच्चा है उसके वो कहता है कि मेरे छत पे मोर आता है, आज भी मोर आया है, अक्सर उसके छत पे मोर आता है, आज भी मोर आया है और खूब मचाया उसने शोर। कैसे उसने शोर मचाया? खूब नाच कर शोर मचाया। और उसके बाद बादल गरजा तो वो और भी खुश हो गया, और उसके बाद वो खूब छमाछम नाचने लगा। तो यहाँ पे बच्चों बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें मोर और बच्चे के बारे में बताया गया है कि बच्चा किस तरह से अपने छत पर मोर को देख करके खूब खुश होता है, और बताता है कि मोर उसके छत पर आकर के क्या करता है, खूब धूम मचाता है यानी कि खूब उधम करता है, और उसके बाद जब बादल के गरजने की आवाज़ उसे सुनाई देती है, वो बादल को गरजते हुए देखता है तो वो खुशी के मारे खूब झूम झूम करके नाचता है। तो बहुत छोटी सी कविता है और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई भी शब्द है जो कठिन लग रहा हो। यहाँ पे एक बच्चे के खुशी को जाहिर किया गया है, जब उसे कितना खुश अच्छा लगता है मोर को देख करके, जब उसके छत पर वह मोर देखता है, और मोर को कितना अच्छा लगता है जब वो खुली हुई जगह देखता है, और उसके बाद बादलों को गरजते हुए देखता है तो वो खूब अपने पंखों को फैला करके धूम मचा करके नाचता है और खुश होता है। तो छोटी सी कविता है जिसे आपको लिखना कहीं नहीं है, सिर्फ आप उसे अपने कॉपी में अपने लिख सकते हैं और मोर का चित्र बना सकते हैं और उसके बाद इसे याद कर सकते हैं। तो मेरी मापे की मात्रा में, रपे बड़ी की मात्रा री, मेरी छत, छत पर, छत यानी मकान के ऊपर का हिस्सा, पर मेरी छत पर आया मोर। आप सभी जानते हो कि मोर एक तरह का पक्षी है, और लेकिन वो बहुत ऊंची उड़ान नहीं होता, मतलब बहुत ऊंचा नहीं उड़ता है वो बाकी पक्षियों की तरह, वो थोड़े थोड़े ऊंचाई पे उड़ता है, जैसे जमीन से ऊपर उड़ गया, पेड़ पे उड़ के बैठ गया, फिर ऊपर से फिर छत पे चढ़ गया, तो इतनी ऊंचाई तक ही वो उड़ता है, और उड़ करके वो मेरी छत पर बैठ गया। मेरी छत पर आया मोर, बच्चे के छत पर कौन आया? मोर आया। खूब मचाया उसने शोर, मतलब खूब उसने शोर मचाया, और आपने आवाज़ सुनी होगी मोर की, किस तरह से वो आवाज़ निकालता है, और उसने खूब शोर मचाया यानी कि हुड़दंग किया, मौज मस्ती की, और उसके बाद जब उसने बादलों के गरजने की आवाज़ सुनी तो खुश होकर के मोर खूब नाचा। मोर जो है वह खूब नाचा, खुल के नाचा, अपने पंख को फैला करके नाचा। तो यहाँ बच्चे के कहने का मतलब है कि जो मोर है वह बादलों को देख करके इतना खुश हो जाता है कि अपने पंखों को फैला करके खूब नाचता है। और वैसे भी मोर अगर आपके छत पे आता है तो वो खूब आवाज़ निकाल निकाल करके शोर मचाता है, और जो मोर होता है वह खूब जोर जोर से चिल्ला करके अपनी आवाज़ निकालता है और हंगामा मचाता है। तो बच्चे के भी छत पे जब मोर आया तो उसने खूब, पहले तो उसने खूब शोर मचाया, और उसके बाद जब उसको मौका मिला तो उसने क्या किया, बादलों को गरजता उसने देखा तो वह झूम करके खूब नाचा, छम और छम, वो खूब जोर जोर से नाचा। तो मोर जब खुश होता है तब नाचता है, कब खुश होता है, जबकि आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है, बादल गरजते हैं तो खुशी के मारे मोर नाचता है। और अगर आपका घर गांव के राव में है या फिर खेतों के बीच में है तो आपके छत पे अक्सर मोर आ सकता है, क्योंकि जो मोर है वो खेतों के आसपास रहते हैं, खेतों में उन्हें अनाज भी खाने को गिरे हुए अनाज भी मिल जाते हैं, उसके अलावा वो जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, यहाँ तक कि सांप खाते हैं, वो सारी चीज़ें उनको
खेत में मिल जाती है। और जो मोर होता है बादल देख करके या बारिश होता देख करके भारत के बादल के गरजते को गरजते देख करके बहुत खुश होता है और यह देख करके खूब नाचता है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। मेरी छत पर आया मोर, बच्चा कहता है कि मेरी छत पर आया मोर, खूब मचाया उसने शोर। तो जो मोर होता है खूब आवाज़ पिहू पिहू करके आवाज़ निकालता है और खूब शोर मचाता है। उसके बाद बादल गरज उठे घम घम, जो बादल है वो घम घम गरज उठे, मतलब जोर जोर से गरज उठे। और नाचा मोर छमा छम छम, जब मोर ने बादलों को गरजते देखा हुआ वह खुशी के मारे खूब छमा छम नाचा। तो ये छोटी सी कविता है जिसे आप याद करेंगे, अपने क्लास का कॉपी में लिख करके इससे संबंधित जो भी चित्र दिया गया है उसे आप बनाएंगे। तो बच्चों यह थी कविता, आप इसे याद करिएगा। उसके बाद हमारे पास हमारा जो अगला अभ्यास है, पहले आप इस कविता को बुक से भी देख करके लिख सकते हैं, आपके बुक में भी ये कविता दी गई है और मैंने बोर्ड पर भी लिखा है। उसके बाद बच्चों हमारा जो आखिरी अभ्यास है इस पाठ का, जिनके नाम उनके काम, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक का ये आखिरी अभ्यास है। कॉपी में हमें भी और भी अभ्यास करना है तो हम बाद में करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 59 पे हमें यहाँ पे कुछ अभ्यास दिए गए हैं, जैसे कि बच्चों जिनके नाम उनके, जिनके काम उनके नाम। आप सभी जानते हो कि जो इंसान जो काम करता है उसी से उसका नाम जुड़ जाता है। जैसे कि अगर आप कपड़े धोने का काम करते हैं तो आपको धोबी कहा जाता है, अगर आप पत्र ले जाने ले आने का काम करते हैं तो आपको डाकिया कहा जाता है, अगर आप खेती करते हैं तो आपको किसान कहा जाता है, और उसके बाद अगर आप माली का काम करते हैं तो आपको माली कहा जाता है, यानी कि आप बगीचे की देखभाल करते हैं या आप किसी उद्यान की देखभाल करते हैं, फूलों की देखभाल करते हैं तो आपको माली कहा जाता है। उसी तरह से अगर आप बढ़ई का काम करते हैं तो आपको बढ़ई कहा जाता है, लकड़ियों का काम करते हैं, काटते हैं उससे चीज़ें बनाते हैं तो आपको बढ़ई कहा जाता है। वहीं पे अगर आप मोची का काम करते हैं, दूसरों के जूते सिलने और बनाने का काम करते हैं तो आपको मोची कहा जाता है। तो यहाँ पे जिनका काम उनके नाम, तो जो हम काम करते हैं उसी से हमारे नाम जुड़े होते हैं। तो बच्चों जो भी हम काम करते हैं, हर काम बहुत ज़रूरी होता है और किसी भी काम के बिना किसी का नहीं चलता। अगर आप मोची की बात करें, हमारे आसपास साफ सफाई की बात करें, अगर हमारे आसपास जो लोग साफ सफाई करते हैं वो एक दिन न आए तो सोचो कितनी गंदगी फैल जाएगी और उसके बाद उस गंदगी की वजह से कितनी बीमारी होगी। तो इसलिए छोटा काम बड़ा काम 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 कहलाता है। जो भी हमारे आसपास हमारे लिए काम करते हैं या हमारी मदद करने के लिए काम करते हैं, अब हमारे सराउंडिंग को या हमारे आसपास की जगह को साफ रखना भी हमारी मदद हुई, वो हमारी मदद कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम ज़्यादा बीमार ना पड़े और हम स्वस्थ रहें, तो वो भी तो हमारी मदद कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, तो उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उनको हमें इज्जत देनी चाहिए। तो यहाँ पे भी बच्चों जो लोग जो जिस काम से जुड़े होते हैं उनका नाम भी उसी से होता है। अगर डॉक्टर होता है, इलाज करता है तो उसे हम डॉक्टर कहते हैं, इंजीनियर है बिल्डिंग बनाता है तो हम उसे इंजीनियर कहते हैं, टीचर है अध्यापक है पढ़ाता है पढ़ाने का काम करता है तो हम उसे अध्यापक कहते हैं। तो इसी तरह के शब्दों को यहाँ पर हम कुछ शब्दों को लेंगे, जिनके काम उनके नाम, तो जिनका यहाँ काम पढ़ेंगे उन्हीं के हम यहाँ नाम पढ़ेंगे और उनके नाम को यहाँ पे देख करके चित्र पहचान करके लिखेंगे। तो पहचानो और नाम लिखो, और नाम भी लिखना कठिन नहीं है क्योंकि नीचे हमें नाम दिए गए हैं, जो नीचे पीले रंग का बॉक्स है उसके अंदर हमें नाम भी दिए गए हैं, हमें सिर्फ इनके काम को पहचानना है और इनके काम के हिसाब से इनके नामों को ढूंढ करके ऊपर लिखना है। तो बच्चों पहला है पहचानो और नाम लिखो। सबसे पहले चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों कि एक व्यक्ति है जो कपड़े धो रहा है, तो कपड़े कौन धोता है, कपड़े धोबी धोता है। तो आप पहले चित्र को देख करके कह सकते हैं कपड़े धोने वाले को हम धोबी कहते हैं, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कपड़े धो रहा है इसलिए हम उसे धोबी कहेंगे और दिए गए स्थान में हम लिखेंगे, दिए गए रिक्त स्थान में हम उसके लिए धोबी शब्द लिखेंगे। तो बच्चों चलिए हम इस अभ्यास को भी कर लेते हैं, पहले तो हम बुक में करेंगे आज, फिर कल इसे हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो आज हम इसे समझ करके बुक में जो रिक्त स्थान है वहाँ इन नामों को लिख करके इस अभ्यास को पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कल इसे क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो हमारा पहला नाम है बच्चों, काम है कपड़े धोने का और नाम है धोबी। तो पहचानो और नाम लिखो हमारा प्रश्न है, पृष्ठ संख्या हमारा है 59। तो चलिए करते हैं पेज नंबर
59, पेज नंबर 59 का अभ्यास हम करेंगे। पेज नंबर 59 पे हमारे पास जो अभ्यास है बच्चों, उसमें आप देख सकते हैं पहचानो और नाम लिखो। तो हमें पहले पहचानना है, पहचानो, नौ पियों की मात्रा, नो और र, और नौ पे आ की मात्रा, नाम लिखो, नौ पे छोटी की मात्रा, ख पर ओ की मात्रा, खो। तो हमें दिए गए चित्रों को पहचान करके, यानी कि उनके काम को देखकर, काम से उनके नाम को लिखना है, काम को देखकर, काम को पहचान करके उनके नाम को लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले चित्र में बच्चों, आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो कपड़े धो रहा है। तो कपड़े धोने का काम कौन करता है, कपड़े धोने का काम जो करता है उसे हम धोबी कहते हैं। तो जो भी कपड़े धोने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे धोबी कहते हैं। तो पहले चित्र में आप, चित्र तो मैं यहाँ नहीं बना सकती हूँ, लेकिन आप चित्र बुक में देख करके जो मैं लिख रही हूँ उसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र है उसमें कपड़े, जो व्यक्ति है वो कपड़े धो रहा है, और कपड़े धोने का काम कर रहा है इसलिए उसका नाम पड़ा धोबी। आप देख सकते हैं नीचे बॉक्स में भी शब्द दिए गए हैं, यहाँ से भी आप शब्दों को देख के लिख सकते हैं। पहले चित्र के सामने आप देखेंगे ध, ध पे ओ की मात्रा और ब पे बड़ी की मात्रा, धोबी। पहले चित्र में जो व्यक्ति है वो कपड़े धोने का काम कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा धोबी, धोबी। उसके बाद हमारे पास है बच्चों दूसरा चित्र है, जिसमें व्यक्ति है वो, उसके हाथ में पत्र है। तो बच्चों पत्र किसके पास होते हैं, पत्र डाकिया के पास होते हैं, और डाकिया का काम है पत्र एक मतलब पोस्ट ऑफिस से या से लेकर के एक एक घर तक पहुंचाना। तो जो पत्र हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी हमें पत्र भेजते हैं, डाक भेजते हैं, उनको लेकर के डाकिया घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाता है इसलिए हम उसे डाकिया कहते हैं, पत्र या डाक कह सकते हैं। इस डाक को पहुंचाने का काम जो करता है उसे हम डाकिया कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा चित्र है, आप देख सकते हैं धोबी के ठीक सामने दूसरा चित्र है डाकिया का, डा क पे बड़ी की मात्रा की, य पे आ की मात्रा आ, डाकिया। तो पहला चित्र है डाकिया का। उसके बाद तीसरा चित्र आप देख सकते हैं बच्चों, तीसरे चित्र में आपके पास क्या है, तीसरे चित्र में हमारे पास है किसान। किसान कौन होता है, जो खेती करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला नाम जो शब्द दिए हैं उसमें किसान लिखा हुआ है। तो किसान का काम है खेती करना, तो उसके काम से हम उसका नाम लिखेंगे किसान। उसके हाथ में आप देख सकते की स पे आ की मात्रा न, हसिया है। हसिया से किसान घास काटते हैं, फसल काटते हैं, तो हसिया है, और पीछे फसल भी दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे किसान, किसान का काम होता है खेती करना। तो यहाँ पे हमने किसान लिखा, और किसान के सामने यहाँ पे है माली। चार पे हम लिखेंगे म पे आ की मात्रा मा, ल पे बड़ी की मात्रा ली। माली कौन होता है, जो बगीचे में पेड़ पौधों की रखवाली करता है, देखभाल करता है, उसे हम माली कहते हैं। जो पेड़ पौधों की रखवाली करता है, देखभाल करता है, समय समय पे उसे पानी देता है, तो उसे हम माली कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चित्र है, चित्र में बाग है, बाग में फूलों के पौधे हैं, इन पौधों की जो व्यक्ति देखभाल करता है, रखवाली करता है, समय समय पे उसमें पानी देता है, उसकी कटाई छटाई करता है, दवा का छिड़काव करता है, उसे हम माली कहते हैं। तो यहाँ पे माली, माली। इस तरह से बच्चों हमने चौथा भी लिख दिया, माली का काम है पौधों की रखवाली करना, देखरेख करना, इसलिए हम उसे माली कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पांचवें चित्र में, पांचवें चित्र में हमारे पास है बढ़ई। वह इंसान जो कि लकड़ी का काम करता है, लकड़ी के फर्नीचर बनाना, लकड़ी के सामान बनाना, तो इस ऐसे इंसान को हम बढ़ई कहते हैं, क्योंकि वो बढ़ई का काम करता है इसलिए उसका नाम है बढ़ई। नीचे बढ़ई, बढ़ई शब्द भी लिखा है, वहां से हम इस शब्द को उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे बढ़ई, बढ़ई। उसके बाद आखिरी चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों, आखिरी चित्र में हमारे पास है पेड़ के नीचे कौन बैठा है, यह जूता बनाने का काम करता है। अगर हमारे जूते चप्पल टूट जाते हैं तो कौन उसे सीता है या बनाता है, जो जो भी व्यक्ति उसे बनाता है हम उसे मोची कहते हैं। तो जूते चप्पल बनाने का काम मोची करता है इसलिए हम इस चित्र को पहचान करके, उसके काम को पहचान करके हमने यहाँ लिखा मोची।
पहले चित्र में है धोबी, धोबी क्या करता है, धोबी कपड़े धोने का काम करता है। दूसरे चित्र में है डाकिया, डाकिया डाक घर घर तक पहुंचाता है। उसके बाद किसान, किसान खेती करता है। माली, माली पौधों की देखभाल करता है। बढ़ई लकड़ी का के सामान बनाता है। मोची टूटे जूते चप्पल बनाता है, नए चप्पल भी बनाता है, टूटे हुए जूते चप्पलों को ठीक करता है, इसलिए उसे हम मोची कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, जो भी हमने पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा, और जिसे बुक में करना है इस अभ्यास को आप बुक में करेंगे, और जो ग्रिड वाला पहले हमने अक्षर जाल वाला काम किया उसे भी आप अपने बुक में करेंगे, और उसके बाद कल हम इस कार्य को क्रास्टर कॉपी में करेंगे। तो बच्चों पढ़ के समझ लीजिएगा, कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।